सो हम लोग हाइब्रिड पढ़ रहे थे, एंड हाइब्रिड में हमने देखा था कि हाइब्रिड में हमने क्या देखा था कि दो जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराना क्या कहलाता है? हाइब्रिड कहलाता है, जो एक दूसरे से जेनेटिकली डिसिमिलर हैं। इसमें हमने इंटरवेराइटल हाइब्रिड देखी थी, और इंटरवेराइटल में हमने क्या देखा था कि चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, ये एनिमल है और इसकी बहुत सारी वेराइटीज, या ये एनिमल है उसकी बहुत सारी वेराइटीज, या ये एनिमल है इसकी बहुत सारी वेराइटीज, टाइगर की बहुत सारी वेराइटीज, लॉयन की बहुत सारी वेराइटीज, या लेपर्ड की बहुत सारी वेराइटीज को आपस में किसी भी वेराइटीज को क्रॉस कराना है, या फिर प्लांट की जो कोई वेराइटी होती है उसको बहुत सारी वेराइटीज को क्या कराना है, आपस में क्रॉस कराना है। ये हमने देखा था, ये एक ही स्पीशीज की बहुत सारी वेराइटी को क्रॉस कराना, ये स्पीशीज, ठीक है। टाइगर की बहुत सारी वेराइटीज, 15 डिग्री स्पीशीज, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, 11th में भी आपने पढ़ा है, एंड इनकी बहुत सारी वेराइटीज को क्रॉस कराना आपस में, या लॉयन की बहुत सारी वेराइटीज। पर जो हमारा इंटरवेराइटल था, तो बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सेम स्पीशीज सेम होनी चाहिए, ये हमने पढ़ा था, स्पीशीज सेम होनी चाहिए, स्पीशीज कैन नॉट बी डिफरेंट। कि हमने क्या करा कि एक वेराइटी तो ले ली, एक टाइगर तो ले लिया हमने साइबेरिया का, और एक हमने लॉयन ले लिया कोई वेराइटी, और इन दोनों को क्रॉस करा दिया, तो ये इंटरवेराइटल क्रॉस नहीं है। इंटरवेराइटल क्रॉस में क्या होना चाहिए, स्पीशीज सेम होनी चाहिए, चाहे वो प्लांट की हो या एनिमल की हो, ठीक है। ये सोलेनम ट्यूबेरोजम इज अ पोटेटो, सो मेनी वेराइटीज ऑफ पोटेटो इनको क्रॉस करवा सकते हैं, सो मेनी वेराइटीज ऑफ ब्रिंजल इनको क्रॉस करवा सकते हैं आपस में। तो ये तो हुआ इंटरवेराइटल, बट आप अगर एक पोटेटो की वेराइटी और एक ब्रिंजल की वेराइटी को क्रॉस कराओगे तो ये इंटरवेराइटल नहीं है, तो स्पीशीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। नाउ ये हमारा हाइब्रिड है। अब इसी से एक टर्म जनरेट होती है, दैट इज मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड एंड पॉली हाइब्रिड। ये टर्म्स आपने पहले पढ़ी हुई है 10th में, नहीं तो हम इसे और समझ लेते हैं। मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड या ट्राई हाइब्रिड क्या होता है, ठीक है। इससे पहले एक और कुछ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो बच्चों, आपने ये पढ़ा था कि जब हाइब्रिड वेराइटी हम लोग लेते हैं, हाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं, सॉरी, दो दो वेराइटीज को क्रॉस करवाते हैं, तो ये हमने एक क्रॉस देखा था कि एक जो क्रोमोसोम है, एक अलील जिसकी एक अलील है जो कि जो आपके फ्लावर की या फ्रूट की साइज डिटरमाइन कर रहा है, तो फ्रूट की साइज क्या है, बड़ी साइज है और ये डोमिनेंट है, और यहाँ पर फ्रूट की जो साइज है वो स्मॉल है, और ये अलील क्या है, रिसेसिव है, ठीक है। तो कैरेक्टर तो क्या होगा, कैरेक्टर इज फ्रूट साइज, और फ्रूट साइज में ही दो ट्रेट हैं या अलील है, वो क्या बोल रहा है, एक तो बोल रहा है साइज बड़ी है और वो डोमिनेंट अलील है या डोमिनेंट ट्रेट है, और साइज स्मॉल है एंड वो रिसेसिव अलील है, रिसेसिव ट्रेट है। और सेकंड कैरेक्टर क्या है, सेकंड कैरेक्टर है फ्रूट का फ्लेवर, और इसके दो ट्रेट हैं या दो अलील हैं। आपको पता है अलील और ट्रेट तो कितने भी हो सकते हैं। एक जो ये वाला जो फादर से मिला है, वहीं पर फ्रूट का फ्लेवर जो था वो बहुत अच्छा फ्लेवर था, ठीक है, बट ये रिसेसिव अलील है। एंड दूसरा जो मदर से मिला है, यहाँ पर फ्रूट का जो फ्लेवर है ये बहुत ज्यादा कह सकते हैं हम डाउन लेवल है, अच्छा नहीं है ज्यादा फ्लेवर, और ये क्या है हमारा, डोमिनेंट है, हम कह सकते हैं नॉर्मल, यानी इतना अच्छा टेस्ट नहीं आ रहा इसका, ठीक है, और इसका फ्लेवर क्या हो रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा है। अब क्या होगा, इस इंडिविजुअल में जीनोटाइप तो हमें पता है, दैट इज जीनोटाइप, दैट इज जीनोटाइप, दैट इज जीनोटाइप, दैट इज जीनोटाइप, लेकिन फिनोटाइप में रिजल्ट क्या निकलेगा, फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। देखो, फायदा है नुकसान क्या निकल करके आ रहा है, दिखेगा क्या, साइज तो बड़ी दिखेगी, साइज तो क्या दिखेगी, बड़ी दिखेगी, ठीक है। और फ्रूट का फ्लेवर कौन सा दिखेगा, फ्रूट का फ्लेवर ये वाला दिखेगा जो डोमिनेंट है, तो फ्रूट का फ्लेवर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा।
फ्रूट का फ्लेवर क्या हो गया, डाउन हो गया, ठीक है। तो हाइब्रिड जो है वो फायदा भी दे सकती है और हाइब्रिड जो है वो आपको लॉस भी दे सकती है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हाइब्रिड फायदा दे रही है, हमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है, लेकिन यहाँ पर अगर साइज बड़ी हुई इस इंडिविजुअल की, फ्रूट की साइज बड़ी हो गई है, यानी ये जो ट्री है इसमें फ्रूट की साइज बड़ी हो गई है, तो साथ में एक जो नेगेटिव चीज जो आ रही है वो क्या आ रही है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर था या डोमिनेंट ट्रेड था, ठीक है, डोमिनेंट ट्रेड था वो कैसा था, डाउन का था, मतलब फ्रूट का फ्लेवर क्या हो गया, डाउन हो गया। तो यही चीज निकल करके सामने आ रही है कि डाउन हो गया फ्रूट का फ्लेवर। तो आपको जो हाइब्रिड है, हमने पढ़ा था हाइब्रिड का एक मेन जो हमारा एम है वो क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू अलील। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू अलील, बट इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू अलील इज ऑलवेज नॉट गुड, क्योंकि पहले आपको इस तरीके से यहाँ से ये वाला जो था ना, ये अपना प्लांट इसमें खुश था अपने ग्रुप में, जैसे ये वाला एक फ्लावर एक प्लांट है, ठीक है, और ये वाला भी एक प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट में इसका एक फ्लावर होगा और इस प्लांट में भी क्या होगा, इसका एक फ्लावर होगा। इस फ्लावर में इसका पोलन भी बनेगा और क्या बनेगा, एग भी बनेगा। इस फ्लावर में इसका पोलन भी बनेगा और इसका एग भी बनेगा, ठीक है। अब ये एनएन कंडीशन होगी, ठीक है, पोलन एग का क्रोमोसोम, पोलन का क्रोमोसोम एंड एग के क्रोमोसोम, ठीक है। तो हमने एक एक क्रोमोसोम ही कंसीडर करा है, क्रोमोसोम एक एक तो नहीं होता, ये तो कोई पर्टिकुलर कोई क्रोमोसोम है, ठीक है। अब यहाँ पर पोलन पर क्या था, साइज जो थी वो बड़ी थी और ये डोमिनेंट था, तो इसी फ्लावर का आएगा ना, इसी फ्लावर का आएगा, तो क्या आएगा, साइज तो फ्रूट की बड़ी होगी और ये क्या होगा, डोमिनेंट होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या आएगा, इस जगह पर फ्रूट का फ्लेवर जो था वो अच्छा है बहुत, लेकिन रिसेसिव है। सेम थिंग इधर, फ्रूट का फ्लेवर बहुत अच्छा है, वेरी गुड, बट रिसेसिव, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, साइज जो है वो कम है, ठीक है, और रिसेसिव ट्रेट है, एंड साइज जो है फ्रूट की वो कम है और रिसेसिव ट्रेट है। यहाँ पर दूसरा जो इसका ट्रेट या अलील है वो क्या है, फ्रूट का फ्लेवर डाउन है बट डोमिनेंट ट्रेट है, एंड फ्रूट का फ्लेवर डाउन है बट डोमिनेंट ट्रेट है। अब ये अपना फ्लावर है अलग और ये फ्लावर है अलग। अब क्या होता है कि ये अगर सेल्फ, ये अगर अपने आप में सेल्फ पोलिनेशन करते हैं ना, हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिड जो होती है वो नेचर में भी हो सकती है और ह्यूमंस भी इसको कई बार करवाते हैं, तो सेल्फ पोलिनेशन होगा, तो सेल्फ पोलिनेशन होगा तो क्या होगा, ये पोलन का क्रोमोजोम है फादर हुआ और ये एक का क्रोमोजोम है मदर हुआ, तो ये जो इंडिविजुअल बनेगा इसमें क्या आपको क्या दिखेगा कि ये डोमिनेंट क्यों लिखा है, ये डोमिनेंट लिखा है इसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। अगर आप क्रॉस नहीं करवाते, या हम लोग अगर ये वाला पोलन इसी इसी फ्लावर का पोलन इसी के एक बार डालते हैं, तो दोनों ही एक जैसे हैं, ठीक है, सेम अलील है, वही साइज बड़ी है, तो फिर तो डोमिनेंट रिसेसिव का कोई कंसेप्ट ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो अब ये क्या है कि ये पोलन अगर इसी के एग से फर्टिलाइज हो जाता है, तो ये जो इंडिविजुअल है इसमें क्या होगा, साइज बड़ी होगी, ठीक है, और ये फ्रूट जो फ्लेवर है ये रिसेसिव, रिसेसिव किसके कंपैरिजन में बोल रहे हैं, इसके कंपैरिजन में बोल रहे हैं। यहाँ तो दोनों फ्रूट फ्लेवर हाई है, ये भी यहाँ पे दोनों अलील क्या है, दिस बोथ अलील्स आर हाई इन फ्रूट फ्लेवर, तो सेम ही अलील है ना, दोनों अलील सेम है। तो हमने पढ़ा है कि अगर दोनों अलील सेम हो, ठीक है, तो ये कोई भी किसी भी तरीके का एक डोमिनेंट या रिसेसिव का कंसेप्ट नहीं क्रिएट करते, ठीक है, और फ्रूट फ्लेवर भी क्या होगा, हाई होगा। तो यहाँ ये हुआ, और यहाँ पर क्या होगा, देखो इस जगह पर साइज, अगर ये इसी का पोलन इसी के एक से फर्टिलाइज होता है तो साइज तो हो जाएगी डाउन, ठीक है, और फ्रूट फ्लेवर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो एक फायदा है एंड एक क्या हो रहा है, सॉरी, साइज साइज भी डाउन है और फ्रूट फ्लेवर भी क्या है इसका, डाउन है, ठीक है। अब क्या करा आपने,
इन दोनों को क्या करा दिया, इसका पोलन ले लिया आपने और इसका क्या ले लिया, एग ले लिया। तो ये पोलन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, हमने ये वाला पोलन ले लिया, ये पोलन ले लिया और ये क्या ले लिया, एग ले लिया। ठीक है, इसका पोलन लिया है, इसका, तो इसका पोलन क्या है, साइज तो है बड़ी एंड डोमिनेंट, और फ्रूट फ्लेवर है हाई बट रिसेसिव, ठीक है। एंड इसका एग लिया था तो क्या हुआ, साइज तो है छोटी एंड वो रिसेसिव है, एंड फ्रूट फ्लेवर डाउन है बट क्या है, फ्रूट फ्लेवर डोमिनेंट है, ठीक है। अब डोमिनेंट रिसेसिव का कंसेप्ट अब होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों अलग अलग फ्लावर को, इस फ्लावर को और इस फ्लावर को क्या कर रहे हैं, इसके पोलन से इसके एग को क्या करवा रहे हैं, हम लोग पोलिनेट करवा रहे हैं, फर्टिलाइज करवा रहे हैं। अब क्या होगा, एक फायदा हुआ और एक नुकसान हो गया। क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ, कि साइज तो बड़ी आ गई, ठीक है, क्योंकि साइज बड़ी आ गई, क्योंकि बड़ी साइज जो है, बिग साइज इज डोमिनेटिंग ओवर स्मॉल साइज, ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन इसके साथ क्या हो रहा था, कि इसका जो ओरिजिनल जो था ना, फ्रूट फ्लेवर क्या था इसका, हाई था। अब ये रिसेसिव था, दोनों ही पोलन और एक दोनों ही रिसेसिव थे, तो फ्रूट जो फ्लेवर था वो रिसेसिव ही था, डोमिनेंट रिसेसिव का कोई कंसेप्ट नहीं हो रहा था, तो फ्रूट फ्लेवर क्या मिल रहा था इसको, हाई मिल रहा था। लेकिन अब क्या होगा, आपने इस वाले को किससे क्रॉस करा दिया, आपने इस वाले को किससे क्रॉस करा दिया, आपने इस एग से क्रॉस करा दिया। तो अब क्या होगा, कि जो हमारा फिनोटाइप जो निकल करके आ रहा है, वो क्या बोलेगा, कि फ्रूट का फ्लेवर भले ही डाउन जा रहा है, फ्रूट का फ्लेवर कैसा जा रहा है, अच्छा नहीं जा रहा कंपेयर टू दिस, ठीक है, फ्रूट का फ्लेवर बहुत अच्छा नहीं जा रहा, बट ये डोमिनेंट है तो वही दिखेगा, ठीक है। तो साइज तो अपग्रेड में चली गई डोमिनेंट होने की वजह से, बड़ी साइज डोमिनेंट थी तो अपग्रेड में चली गई, वही दिख रही है, वही फिनोटिपिक में आ रही है। एंड जो फ्रूट का फ्लेवर था वो डाउन वाला, तो एक्सप्रेस कौन सा हो रहा है, यहाँ पर एक्सप्रेस हो रहा है ये वाला, और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सप्रेस ये वाला, क्योंकि दोनों क्या है, डोमिनेटिंग है, ठीक है। सो हाइब्रिड हमेशा फायदे की नहीं होती, हमें ध्यान रखना चाहिए, हाइब्रिड का जो मेन मकसद होता है, हाइब्रिड का दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू अलील, ठीक है। हाइब्रिड का मकसद ही क्या, हाइब्रिडाइजेशन का, कि इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू अलील, न्यू अलील, ठीक है। बट आप ये शॉर्टी के साथ कभी मत कहना कि इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू अलील इज ऑलवेज बेनिफिशियल, कोई जरूरी नहीं, कुड बी बेनिफिशियल एंड कुड नॉट बी बेनिफिशियल, दोनों चीजें हो सकती हैं, बेनिफिशियल हो भी सकता है और बेनिफिशियल नहीं भी हो सकता है। तो हमारा ये वाला जो केस था, इस केस में तो, इस वाले केस में तो एक जगह तो बेनिफिट हुआ और एक जगह बेनिफिट नहीं हुआ, मतलब इसका जो फ्लेवर था, साइज तो बड़ी हो गई, साइज तो बड़ी हो गई, लेकिन अच्छा फ्रूट फ्लेवर क्या हो गया, खत्म हो गया। सो ये हाइब्रिडाइजेशन है, इस तरीके से होता है, और एनिमल में भी इसी तरीके से हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक गैमेट ले लेंगे फादर का और एक गैमेट ले लेंगे मदर का। अब हम देखते हैं कि मोनोहाइब्रिड या डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। बच्चों देखो, ये कोई ह्यूमन का क्रोमोसोम है, पेयर है, होमोलोगस, ठीक है, ये डैड से आ रहा है एंड ये मॉम से आ रहा है, ठीक है। अब एक क्रोमोसोम पर कैरेक्टर क्या है, देखो ये एक, हम कह सकते हैं ये एक थिंकिंग वाला, सोच रहे हैं हम इस चीज को, आपको ये नहीं मानना है कि एक ही किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम पर ये सारे जीन या ये सारे कैरेक्टर प्रेजेंट है, नहीं, हम जस्ट इसको एक एज्यूमेशन में ले रहे हैं ना, अज्यूम कर रहे हैं, वी आर जस्ट एज्यूमिंग इट। सो कैरेक्टर कौन सा है, देखो एक कैरेक्टर है आई का, ठीक है, ये आई का जीन है, तो ये आई का अलील हो गया, ये आई का अलील ब्राउन कलर के लिए और ये आई का अलील बी, ठीक है। फिर इसी क्रोमोसोम पर, एक ही क्रोमोसोम पर, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम पर, एक फादर से मिल रहा है, एक मदर से मिल रहा है, ठीक है, एक ही क्रोमोसोम पर बहुत सारे जीन हो सकते हैं, एक ही क्रोमोसोम पर बहुत सारे जीन हो सकते हैं, ठीक है, और हर जीन के दो दो अलील होंगे, ठीक है, सेम अलील भी हो सकते हैं अगर होमोजाइगस कंडीशन होगी तो, और डिफरेंट अलील भी हो सकते हैं। तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि एक क्रोमोसोम एक ही कैरेक्टर या जीन लेकर चलेगा, नहीं। सो हमने अज्यूम करा, देखो एक ही होमोलोगस
पेयर जो है ना, ये गैमेट से ही तो मिले, गैमेट फ्यूज हो रहा था, ठीक है। कितने कैरेक्टर है देखो, वन कैरेक्टर, फिर दूसरा कैरेक्टर, ठीक है। इस कैरेक्टर के दो अलील है, ब्राउन आई एंड ब्लू आई, दोनों तरफ ब्राउन हो सकती थी एंड दोनों तरफ ब्लू भी हो सकती थी, वो तो हम कुछ कह नहीं सकते, बट यहाँ पर कितने हैं, टू है, ठीक है। फिर ये दूसरा कैरेक्टर, ठीक है, हेयर कलर का देखो, डार्क हेयर का एंड ब्लॉन्ड हेयर का, हमने देखे हैं कौन कौन से हेयर कलर होते हैं। थर्ड है नॉट सो स्मार्ट, ठीक है, हमने पढ़ा है ना नॉट सो स्मार्ट, वो जो हमारी एबिलिटी थी कितनी मेंटल एबिलिटी होती है, सो नॉट सो स्मार्ट, ये तो जो लोकेशन है ये तो यहाँ से तो डिटरमाइन हो रहा है कि स्मार्ट होना या नहीं होना, या हेयर कलर का क्या होगा या आई कलर क्या होगी, ठीक है, वो डिटरमाइन हो रहा है। सो नॉट सो स्मार्ट एंड स्मार्ट जीन एंड टंग रोलर जीन, टंग रोलिंग होती है कई बार कई ऑर्गेनिज्म में, सो ये वाला क्या हो गया, जीन हो गया। और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, तो कितने हो गए देखो, वन टू, ये इनको कोई नाम नहीं दे रखा, बट वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, तो एक क्रोमोसोम पर सिक्स जीन होना एंड हर जीन के अलील होना, अलील सेम भी हो सकते हैं और अलील डिफरेंट भी हो सकते हैं। देखो ये टंग रोलर टी, यहाँ पर भी एक, ये जो अलील है यहाँ पर भी वही अलील है, देख लो आप लोग, ठीक है। बिना टंग रोलर का जीन भी हो सकता है जिसमें टंग रोल नहीं होती है, वो आगे हम पढ़ेंगे, बट अभी हमको सिर्फ कैरेक्टर से मतलब है कि कौन सा कैरेक्टर दे रहा है। एक जैसा अलील भी हो सकता है एंड डिफरेंट अलील भी हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि जो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, जो रिसेसिव था वो कहीं पर गायब हो जाएगा, वो कहीं गायब नहीं रहता, वो प्रेजेंट रहता है बट एक्सप्रेस नहीं हो पाता है। दूसरा हम देखते हैं प्लांट्स में, देखो प्लांट में भी ये एक कैरेक्टर है, ठीक है, हाइट का कैरेक्टर, ठीक है। ये लीफ आपने देखा ना, कौन सी टाइप की लीफ होती है, कंपाउंड या सिंपल, 11th में पढ़ा है, इसका कैरेक्टर है, और हर सबके दो दो अलील है। ये फ्लावर कलर का एंड ये फ्लावर पोजीशन, टर्मिनल फ्लावर टिप पर होगा या एक्सियल पे होगा, आपको पता है एक्सियल एंड टर्मिनल क्या होता है, तो पोजीशन ऑफ फ्लावर, ठीक है। ये क्या है, ये एक हमारा क्रोमोसोम है, कोई एक रैंडम क्रोमोसोम है प्लांट का। नाउ अगर आपने ये फादर से लिया है और ये मदर से लिया है, फादर का फ्लावर अलग था और मदर का फ्लावर क्या था, अलग था, फ्लावर ही अलग थे, ये हमने यहाँ पढ़ा था ना, ये वाली कंसेप्ट पढ़ी थी कि फ्लावर ही क्या है, अलग अलग है, तो फ्लावर में भी पोलन और एग होगा इस फ्लावर में, और इस फ्लावर में भी क्या होगा, पोलन और एग होगा, तो एक से पोलन लेंगे और एक से क्या लेंगे, एग लेंगे, तो ये हमारा पोलन से लिया हुआ क्रोमोसोम है और ये हमारा एग से लिया हुआ क्रोमोसोम है। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, ये हमारा एक फ्लावर था, तो इस फ्लावर के पोलन का क्रोमोसोम हमने ले लिया है और इस फ्लावर के हमने एग का क्रोमोसोम ले लिया है, ठीक है। अब दोनों किसके हैं, सेम स्पीशीज की वेराइटीज हैं, क्या है, इंटरवेराइटल, यानी सेम स्पीशीज की क्या है, वेराइटीज हैं, एक ही स्पीशीज की डिफरेंट वेराइटीज हैं। एक स्पीशीज की डिफरेंट वेराइटी में आप क्रॉस करवा रहे हो एक कैरेक्टर, ठीक है, एक कैरेक्टर जिसके डिफरेंट अलील है, ठीक है, आप क्या करवा रहे हो, आप एक स्पीशीज की दो वेराइटी, ये अलग फ्लावर था वेराइटी का, ये अलग फ्लावर था, वेराइटीज अलग हो सकती हैं, आपको पता है प्लांट है तो एंजियोस्पर्म है तो फ्लावर होगा और अलग अलग वेराइटीज होगी, तो ये अलग वेराइटी के फ्लावर का पोलन है, ये अलग वेराइटी के फ्लावर का एग है, लेकिन स्पीशीज सेम है, ठीक है। आपने कौन सा कैरेक्टर उठाया है, हाइट का, यहाँ पर ये कैरेक्टर कौन सा है, हाइट का, तो यहाँ पर ये होमोलोगस है ना, सेम है बिल्कुल, यहाँ पर अलील है टॉलनेस का और यहाँ पर अलील है डवाफ, ठीक है। तो आपने कैरेक्टर कितना लिया, हाइट का कैरेक्टर लिया, कितना कैरेक्टर लिया, वन, ओनली वन कैरेक्टर विच हैव टू डिफरेंट अलील, वन कैरेक्टर विथ डिफरेंट अलील, ठीक है। अलील डिफरेंट होना चाहिए, क्यों बच्चों, अलील क्यों डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जेनेटिकली डिससिमिलर, तो अगर अलील सेम है, ठीक है, अगर अलील क्या हो गया,
सेम हो गया, अगर दोनों जगह अलील सेम होता, दोनों जगह अलील अगर सेम होता तो क्या ये चीज उसके बाद हाइब्रिड कहलाती? नहीं, हाइब्रिड कहलाने के लिए क्या जरूरी? अगर आप किसी चीज को हाइब्रिड बोल रहे हो तो इसका क्या मतलब है? जेनेटिकली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होना जरूरी है, ठीक है? यहाँ पर ये दोनों क्या है, एक ही एक ही स्पीशीज है, बट वेराइटी क्या है, अलग अलग, और दोनों का कैरेक्टर आपने एक ही लिया है। हाइट के कैरेक्टर्स को हम क्या करवा रहे हैं? क्रॉस करवा रहे हैं। हाइट के कैरेक्टर को हम क्या करवा रहे हैं? क्रॉस करवा रहे हैं, ठीक है? एक कैरेक्टर डिफरेंट अलील, तो वन कैरेक्टर और डिफरेंट अलील, डिफरेंट अलील होना है तभी आप हाइब्रिड बोलोगे। अगर ये अलील सेम होता, सपोज कीजिए दोनों तरफ टीटी, तो ये हाइब्रिड नहीं होती। हाइब्रिड होने के लिए जेनेटिकली डिसिमिलर होना जरूरी है, अलग अलग वेराइटीज होना जरूरी है। यहाँ पर एक कैरेक्टर डिफरेंट अलील, इसलिए इसको बोलेंगे मोनो हाइब्रिड। मोनो मतलब वन, आ गई बात समझ में? अगर आप दो कैरेक्टर कंसीडर करते हो, एक लीफ का जो टाइप है, सिंपल लीफ है या कंपाउंड लीफ है, ठीक है, सिंपल लीफ है या फिर कंपाउंड लीफ है, ठीक है, तो कितने कैरेक्टर हो गए आप? एक तो हाइट का था हमारे पास, ठीक है, एक तो हमारे पास हाइट का था और एक क्या हो गया, लीफ की शेप का हो गया, ठीक है, एक तो हाइट का था और एक लीफ की टाइप का हो गया, तो कितने कैरेक्टर हो गए अब हमारे पास? टू कैरेक्टर विद डिफरेंट अलील। अलील होना अलग होना जरूरी बच्चों, है ना? अलील अगर सेम होगा तो हाइब्रिड नहीं कहलाएगा। अगर यहाँ भी एल होता, यहाँ भी एल होता, तो ये हाइब्रिड नहीं कहलाता, क्योंकि जेनेटिकली डिफरेंट होना जरूरी है। अब टू कैरेक्टर हो गए, पहले तो हमने सिर्फ एक हाइट को कंसिडर किया था, अब हम हाइट को भी कंसिडर कर रहे हैं और शेप को भी कंसिडर हो रहे हैं, तो टू कैरेक्टर अलील डिफरेंट होना जरूरी है, सो इट इज नोन एज डाई हाइब्रिड, ठीक है? अगर तीन कैरेक्टर ले लेते हैं, यानी फ्लावर के हम लोग जो कलर है उसका भी ले लेते हैं, ठीक है, फ्लावर कलर, सो हम यहाँ रिसेसिव ले लेते हैं रेड फ्लावर, एंड यहाँ पर क्या आ गया, व्हाइट फ्लावर, ठीक है? तो अब कितने कैरेक्टर हो गए? थ्री कैरेक्टर। टॉलनेस का कैरेक्टर, लीफ के शेप का, टाइप का कैरेक्टर, एंड थर्ड जो है वो क्या है, फ्लावर के कलर का कैरेक्टर। तो कितने हो गए आप टोटल? थ्री कैरेक्टर। अलील तो डिफरेंट होना जरूरी है, क्योंकि अगर दोनों तरफ आप ये ले लोगे या दोनों तरफ आप ये ले लोगे तो वो हाइब्रिड नहीं कहलाएगा, बिकॉज जेनेटिकली डिसिमिलर होना चाहिए, जेनेटिकली कहीं डिफरेंट होना चाहिए हाइब्रिड कहलाने के लिए। सो दिस इज नोन एज ट्राई हाइब्रिड, ठीक है? और अगर मल्टीपल ले लोगे आप, बहुत सारे ले लोगे, ठीक है, तो क्या कहलाएगा? पॉलीहाइब्रिड, बहुत सारे आपने ले लिए। सो मेंडल आपने स्टडी करा है, अब मेंडल स्टडी करने के लिए हमें कितने कैरेक्टर ले रहे हैं? देखो, 1 2 3 4 5 6 7, मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स पर रिसर्च करा था, जिसमें से आपने जो पढ़ा है वो आपने हाइट का पढ़ा है, टी एंड टी, 10th में पढ़ा होगा आपने हाइट वाला। तो ये क्या कहलाया हमारा? सिर्फ एक वाला मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड, ठीक है? एंड अगर आप किसी दो को कंसीडर कर लोगे तो वो कहलाएगा डाई हाइब्रिड, अगर किसी थ्री को कर लोगे तो ट्राई हाइब्रिड, एंड मल्टीपल को करोगे तो क्या कहलाएगा? पॉली हाइब्रिड। सो ये ट्रेट है, देख लो, ठीक है? तो जो हमारा मेंडल था ना, मेंडल ने जो क्रॉस करवाया था, हमने पढ़ाया, तो हाइब्रिड हाइब्रिड क्यों बोल रहे थे? बार बार हाइब्रिड बोल रहे हैं ना, क्योंकि जेनेटिकली डिसिमिलर है। देखो, एक टॉल एलील तो एक डवाफ अलील है, एक वॉयलेट अलील है, अलील, ठीक है, एक टॉल है तो एक डवाफ है, एक वॉयलेट है तो एक वाइट है, एक एक्सियल है फ्लावर तो एक टर्मिनल, एक्सियल फ्लावर मतलब टिप पर होता है फ्लावर, सॉरी, एक्सियल में यहाँ साइड पर होता है, टर्मिनल में टिप पर होता है, ठीक है। पोर्ट का शेप एक इनफ्लेटेड, एक कॉन्स्ट्रिक्टेड है। पोर्ट कलर एक ग्रीन, एक येल्लो है। सीड का शेप क्या है? राउंड एंड रिंकल, आपके ये वाले एग्जाम्पल थे, एक तो ये एग्जाम्पल था आपके 10th में, और एक टॉल डेवाप वाला और राउंड रिंकल वाला। सीड कलर है येलो है या ग्रीन है, ठीक है? अब आप देखो, दोनों जगह ऐसा थोड़ी आ रहा कि येलो 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 ही आ रहा है या ग्रीन ग्रीन आ रहा है, ऐसा तो नहीं आ रहा। कैरेक्टर क्या है? अलग अलग अलील अलग अलग आ रहे हैं, देखो, है ना? कैरेक्टर तो वो सेम ही, कैरेक्टर मतलब शेप,
ठीक है, अलील मतलब डोमिनेंट राउंड एंड रिंकल, ये हमने स्टडी कर ली है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि कैरेक्टर क्या होता है, दैट इज जीन, एंड डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट क्या होता है, ट्रेट ट्रेट इज अलील, ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है। अब देखो सब में अलग अलग अलील है, किसी में अलील सेम है क्या, किसी में अलील सेम नहीं मिलेंगे आपको, राउंड रिंकल येलो ग्रीन सब अलील अलग है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं हाइब्रिड, और हाइब्रिड होने के लिए क्या होना जरूरी है, जेनेटिकली डिसिमिलर होना जरूरी है, इसको क्या बोलते हैं हम, हाइब्रिडाइजेशन या फिर हाइब्रिड, और ये हमेशा बेनिफिशियल हो, कोई जरूरी नहीं है जो डोमिनेटिंग है वो जीत जाएगा, अगर अच्छा कैरेक्टर भी डोमिनेटिंग नहीं है, कभी ऐसा है कि डोमिनेटिंग कैरेक्टर उतना अच्छा नहीं था तो वो विन हो जाएगा, तो हाइब्रिड हमेशा कोई फायदे की चीज नहीं है, कभी कभी नेगेटिव भी जा सकता है। कोई डाउट आ रहा है, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? नो मैम, बाकी बाकी बच्चे? ओके नो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटर स्पेसिफिक, ठीक है, अभी हमने इंटर वेराइटल पढ़ा है जिसमें हमने वेराइटीज ली थी एक ही स्पीशीज की, अब हम ले रहे हैं इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक में हम स्पीशीज लेंगे, जैसे पैंथ्रा टिग्रिस, ठीक है, पैंथ्रा टिग्रिस क्या है, इस टाइगर, ठीक है, और पैंथ्रा लियो इज लॉयन, ठीक है, अंडरलाइन आपको करना है, कहीं पर भी लिखो अंडरलाइन करना ही है, ठीक है, तो ये स्पीशीज तो अलग अलग है, दैट इज फैक्ट, ये अलग अलग स्पीशीज है, बट अलग अलग स्पीशीज सेम जीनस की है, यानी पैंथ्रा टिग्रिस का जीनस भी पैंथ्रा है, एंड पैंथ्रा लियो का जीनस भी पैंथ्रा है, एंड पैंथ्रा पाराडस का जीनस भी क्या है, पैंथ्रा है, सो जीनस सेम होना चाहिए, इन दोनों का जीनस क्या है, सेम, सो हम जब क्रॉस करवाते हैं डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज क्रॉस बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ, यानी ये इधर से फादर ले लेंगे, ठीक है, या इधर से मदर ले लेंगे, या आप इधर से मदर ले सकते हैं एंड इधर से फादर, इनके गैमेट्स ले लेंगे, सो क्रॉस बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम जीनस, ये ध्यान रखना है, जीनस सेम होना चाहिए, ठीक है, जीनस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, आप पैंथ्रा टिग्रिस पैंथ्रा लियो को क्रॉस करवा दो, आप पैंथ्रा लियो पैंथ्रा पैराडस को, यानी लेपर्ड पैंथ्रा पैराडस मतलब लेपर्ड को क्रॉस करवा दो, आप पैंथर टिग्रिस यानी आप टाइगर और लेपर्ड को क्रॉस करवा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनका जीनस क्या है, सेम है ना, पैंथरा पैंथरा एंड पैंथरा, जीनस क्या है, सेम, एक और जीनस है हमारे पास फेलिस, ठीक है, बट वो जीनस क्या है, अलग है, तो बिग कैट्स हैं ये जो टिग्रिस लियो एंड पैराडस, ये किस में आता है, पैंथरा में, बिग कैट, ठीक है, इन सबका जीनस सेम है, फेलिस में जो नॉर्मल जो कैट आती है दूसरी वाली वो कैट्स आती है, बट जीनस फेलिस जीनस अलग है, पैंथ्रा इज अ जीनस, फेलिस इज अ जीनस, पैंथ्रा जीनस में, ठीक है, पैंथ्रा जीनस में पैंथ्रा टिग्रिस पैंथ्रा लियो एंड पैंथ्रा पार्डस आता है, सो क्रॉस बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम जीनस, ये आपको ध्यान रखना है, जीनस सेम होना चाहिए, जीनस का नाम कहाँ से पता चलेगा, 11th क्लास में पढ़ा है ना, ये वाली चीज जीनस होती है, ये वाली चीज जीनस होती है, ये वाली, दिस इज जीनस, ठीक है, तो जीनस सेम होना चाहिए, जैसे ये सोलेनम ट्यूबेरोजम पोटेटो एंड सोलेनम मेलोंजिना ब्रिंजल, ठीक है, दोनों का जीनस क्या है, सेम, ठीक है, दोनों का जीनस क्या है, सेम, आप क्रॉस करवा दो, ठीक है, तो स्पीशीज तो अलग अलग है बट जीनस क्या है, इसका भी सोलेनम है और इसका भी क्या है, सोलेनम, ठीक है, अब एक ही जीनस की स्पीशीज में जब क्रॉस करवाते, जैसे पिटूनिया तो अलग ही जीनस है, ठीक है, पिटूनिया
कि किसी स्पीशीज को, पिटूनिया में भी कोई स्पीशीज होगी, पिटूनिया की किसी स्पीशीज को आप सोलेनम की स्पीशीज से क्रॉस नहीं करवा सकते, ठीक है? जीनस सेम होना चाहिए, इस जीनस में कितनी भी स्पीशीज हो, कितनी भी स्पीशीज हो, ठीक है? स्पीशीज की क्या होगी फिर? वेराइटीज होगी, ठीक है? जीनस, जीनस की स्पीशीज, स्पीशीज की वेराइटीज। तो हमने वेराइटी वाला क्रॉस देख लिया, अब आप किसी भी स्पीशीज को क्रॉस करा तो जीनस सेम होना चाहिए। ये दूसरा जीनस है, इस दूसरे जीनस की भी बहुत सारी स्पीशीज है, ठीक है? आप इनको किसी को भी क्रॉस करवा दो, आप पिटूनिया की कोई सी भी स्पीशीज को आपस में क्रॉस करवा दो, आप धतूरा की कितनी भी स्पीशीज है किसी को भी आपस में क्रॉस करवा दो, बट जीनस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सो क्रॉस बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम जीनस, अलग अलग स्पीशीज हो बट जीनस क्या हो उनका? सेम हो, उसको क्या बोलते हैं हम? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन या इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द सेम जीनस, ठीक है? डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम जीनस, इसका हमारे पास एग्जाम्पल है। एंड ये एग्जाम्पल आपने कभी सुना होगा, लाइगर, ठीक है, लॉयन एंड टाइगर, पैंथ्रा लियो, पैंथ्रा पारिडस, ठीक है? तो क्या है, पैंथ्रा पैंथ्रा ही है ना, तो ये कंडीशन कौन सी है? इंटर स्पेसिफिक, ठीक है? दिस इज इंटर स्पेसिफिक। एक जीनस है और इसकी दो स्पीशीज हैं, एक लॉयन एंड एक टाइगर। और ये बच्चों एग्जांपल याद कर लेना, ये वैसे एग्जैक्टली सिलेबस का पार्ट नहीं है बट पूछ लेते हैं कई बार कि फादर कौन है लाइगर में, मदर कौन है, आप रिलीवेंट है, ये मैंने पहले क्लास में बताया है आपको। एंड दिस इज ऑल्सो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, मतलब डोंकी और हॉर्स, ठीक है? स्पीशीज तो अलग है, डिफरेंट स्पीशीज है, स्पीशीज अलग है, ठीक है? लेकिन दोनों के जीनस क्या है? सेम है, सेम जीनस है, ठीक है? इससे क्या बना? म्यूल बना। तो ये क्या हुआ? इंटर स्पेसिफिक, सेम जीनस, डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है? सो दिस इज डन। एंड इसमें हम मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड का कंसेप्ट नहीं समझेंगे क्योंकि स्पीशीज अलग है। सो आप मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड को, मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड जो हमने पढ़ा था, ये मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड, ठीक है, इसको आप वेराइटी वाले से ही कंसिडर करोगे, ये वेराइटी वाले से ही आप कंसिडर करोगे मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड, ठीक है? ये आप वेराइटी से कंसिडर करोगे। यहाँ पर हम ये कंसेप्ट नहीं क्लियर करेंगे क्योंकि इसमें इतना क्लियर मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड का कंसेप्ट जाता भी नहीं है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड करोगे तब आप कौन सा, इंटर वेराइटी की बात कर रहे हो, बस यहाँ मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड हमारा पूरा हो जाता है। आगे आपको कभी भी इंटर स्पेसिफिक या इसके आगे आपको मोनोहाइब्रिड या डाइहाइब्रिड के बारे में बात नहीं करनी है क्योंकि इसमें इतना पॉसिबिलिटीज नहीं है एंड बहुत सारी दूसरी लिमिटेशन आ जाती हैं कुछ, बट हमें अभी नहीं पढ़ना बस। सो इंटर स्पेसिफिक समझ गए, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम जीनस, ठीक है? अब आया इंटर जेनेरिक, जीनस की, अलग अलग जीनस की कोई दो स्पीशीज, जैसे अलग अलग जीनस की कोई दो स्पीशीज, जी ठीक है? जैसे पहले तो हमारे पास क्या रेस्ट्रिक्शन थी, सबसे पहले तो कि इसी स्पीशीज की वैरायटी होनी चाहिए थी, पैंथ्रा टिग्रिस की कोई वैरायटी होनी चाहिए थी, ये लिमिटेशन थी। फिर हमारे पास लिमिटेशन क्या थी कि इस जीनस की कोई दो स्पीशीज हो सकती है, इस जीनस की कोई दो स्पीशीज हो सकती है, ठीक है? वो हुआ इंटर स्पेसिफिक। अब हम बोल रहे हैं दो जीनस की कोई स्पीशीज, मतलब एक स्पीशीज ले लो आप पैंथ्रा जीनस की, दो जीनस, ठीक है, इसमें बहुत सारी स्पीशीज होगी और इसमें भी बहुत सारी स्पीशीज होगी, ठीक है, अलग अलग स्पीशीज। अब आप जीनस के लेवल पर आ गए हो, मतलब आप कोई भी दो ये आप ले सकते हो, ठीक है? ये ले लो, ये ले लो, कोई भी ले लो। तो अब आप कहाँ बढ़ गए? दो अलग अलग जीनस की कोई, क्योंकि स्पीशीज तो आप एक एक ही लोगे ना, एक तो आप लोगे फादर और एक आप क्या लोगे? मदर। पक्की बात है, इधर से आप फादर मदर ले लो और आप इधर से क्या ले लो? फादर ले लो। सो
आप डिफरेंट जीनस की एक एक स्पीशीज एज अ फादर और एज अ मदर ले सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके की क्रॉस को क्या बोलेंगे? इंटरजेनेटिक क्रॉस बिटवीन डिफरेंट जेनेरा या जीनस। रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, यहाँ पर पहले था कि सोलेनम की ही अलग अलग वेराइटी लेनी थी, यहाँ ब्रिंजल की अलग अलग वेराइटी लेनी थी, पहले ये लिमिट था इंटर वेराइटल। फिर आया कि आप एक ही जीनस की दो स्पीशीज ले सकते हो, और अब आया कि आप सोलेनम की कोई एक स्पीशीज ले लो, एक स्पीशीज, ठीक है, और आप पिटूनिया की क्या ले लो, कोई एक स्पीशीज ले लो। तो ये क्रॉस क्या कहलाएगा हमारा? इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन यानी आपने दो जीनस में हाइब्रिडाइजेशन करवाया है। तो फटाफट क्लियर करते हैं 2 मिनट में। सबसे पहले आपने देखा था इंटर वेराइटल, ठीक है, आपके पास स्पीशीज, एक ही स्पीशीज की दो वेराइटी थी, एक ही स्पीशीज की दो वेराइटी में आप क्रॉस करवा सकते थे। एक ही स्पीशीज की दो वैरायटी में फिर आप आए इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक में आप एक ही जीनस की दो स्पीशीज ले सकते थे। एक जीनस में बहुत सारी स्पीशीज होती है, आप एक ही जीनस की कोई दो स्पीशीज ले सकते थे। फिर आप आए इंटर जेनेरिक या इंटर जीनस, जिसमें आप दो जीनस, अलग अलग स्पीशीज है जीनस की, एक जीनस में बहुत सारी स्पीशीज होती है, आप दो जीनस की कोई भी अलग अलग स्पीशीज ले सकते हो, ठीक है। सो दिस इज अवर क्रॉस। क्लियर है? कोई डाउट आ रहा है? नो मैम। बाकी बच्चे? नो मैम। क्लियर?